देखिए प्रश्न में कहा है कि चित्र में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः ई और डी तक बढ़ाया गया है। कह रहा है चित्र में त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः ई और डी तक बढ़ाया गया है। कोण देखो, कोण सी बी ई, कोण सी बी ई माने इस कोण को सी बी ई तथा कोण बी सी डी के समद्विभाजक बी ओ तथा सी ओ आपस में बिंदुओं पर मिलते हैं। सिद्ध करना है कोण बी ओ सी, बी ओ सी यह कोण, द्वारा सिद्ध कीजिए कोण 90 अंश माइनस कोण बी ए सी होगा, यह कोण 90 माइनस बी ए सी होगा। यह हमें सिद्ध करना है कि इस कोण का मान 90 में से इस कोण को घटा दो, आधा इस कोण का आधा। ठीक, तो अब इसको लगाओगे कैसे, तुम यहां देख रहे हो यह कोण सी बी ई, सी बी ई का समद्विभाजक बी ओ है। तो यहां से अगर हम देखें कोण सी बी ओ, सी बी ओ बराबर हो जाएगा, सी बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, सी बी ओ जो हो जाएगा वह सी बी ई का आधा है। और हम इसको लिख सकते हैं यह पूरा कोण 180 अंश है। तो 180 में से हम इसको घटा दें, 180 का देखो कैसे करें, 180 का इसको लगाने के लिए देखो क्या करें, जब हम इसको लगाते हैं तो हम यहां से ये लिखे एंगल सी बी ओ, देख लो एंगल सी बी ओ बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल सी बी ई, देख रहे हो 1/2 एंगल सी बी ई। तो यहां से सी बी ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 180 माइनस वाई टी होगा कि नहीं होगा, देखो सी बी ई पूरा का पूरा 180 है तो सी बी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस वाई की, पूरा 180 में सिवाय घटा दो तो सी बी ई बचेगा। तो यह हो गया 1/2 180 माइनस वाई, तो 1/2 80 का क्या हो जाएगा, 90 माइनस वाई 2। यह समीकरण फर्स्ट पर ठीक, सी बी ओ का मान क्या हो गया, सी बी ओ का मान क्या हो गया, 90 माइनस वाई बाई 2। फिर इसी प्रकार बी सी डी, यहां से सी बी ओ निकाले थे ना, यहां से बी सी ओ निकाल लो। इसी प्रकार एंगल बी सी ओ, तो बी सी ओ क्या आ जाएगा, 1/2 एंगल बी सी डी बराबर 1/2 बी सी डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी डी 180 माइनस जेड, 180 माइनस जेड यह हो गया 90 अंश माइनस जेड बाई 2। समीकरण हो गया ना। अब यहां से तुम देखो सी बी ओ, बी सी ओ और यह बी ओ सी, अगर तीनों को जोड़ दे तो हमारा क्या होता है, 180 अंश। तो तुम लिख दो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी से एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 अंश होगा कि नहीं होगा, या
तीनों एंगलों को लेंगे तो CBO कितना है, CBO है 90 अंश माइनस y बाय 2 प्लस DCO जो है वह 90 माइनस z बाय 2 प्लस एंगल BOC, एंगल BOC यह हो जाएगा बी के 180 अंश। यहां से देखो 90 180 से 180 कट गया, क्या बचा? यहां से देख लो तुम्हारा बच गया एंगल BOC बराबर y प्लस z बाय 2। देख लो BOC किसके बराबर हो गया, एंगल BOC बराबर y प्लस z बाय 2 हुआ ना। देखो समीकरण, यहां से कोण बी ओ सी में बी ओ सी मिला है y प्लस जेड बाई टू, y प्लस जेड बाई टू को तुम लिख दो x प्लस y प्लस जेड बाई टू माइनस x बाई टू। देखो x प्लस y प्लस जेड बाई टू माइनस x बाई टू लिख सकते हो, x प्लस y प्लस z बाई टू, x प्लस y प्लस z बराबर है 180 अंश बाई टू माइनस x बाई टू। देख लो x प्लस y प्लस z का मान 180 अंश होता है, तो यहाँ 180 अंश बाई टू माइनस x बाई टू हो गया, ये हो गया 90 अंश माइनस x बाई टू, 90 अंश माइनस यह x, x by 2 का मतलब है 1/2 एंगल BAC, यही हमें दिखाना था। अतः एंगल BOC बराबर 90 अंश माइनस 1/2 एंगल BAC, यही हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक